Assalamu viewers, my name is Devan Jima and welcome back with another video of Capital Smart City. Right now I'm present with the GM of Marketing and Sales, Mujeeba Khan, and I'll ask you queries which you mentioned in the last video about the Capital Smart City. There was site visit or is there a visit her month approximate किए जाएंगे ये स्मार्ट सिटी ऑफिशियल की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इससे पहले किसी सोसाइटी ने दो काम नहीं किए. नंबर वन, एक तो वक्त से पहले पोजेशन हैंड ओवर करना और इस तरह जो टॉप मैनेजमेंट है उनका टॉप हायरार्की सिस्टम का बैठ के आंसर करना उन क्यूरीज को जो आपने स्टेट एजेंट्स तमाम स्टेट एजेंट्स को जिनसे प्लॉट अपने बुक किया है उनके हवाले से. फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच जी भाई फॉर गिविंग अस टाइम. एंड सबसे पहला सवाल ये कि अभी रिसेंटली एक नया ब्लॉग लॉन्च किया जिसका नाम है ओवरसीज प्राइम. एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली उस ब्लॉग की जितनी सेल है उसको 75% विद इन 3-4 डेज हो गई है. अब इस ब्लॉग की प्रेफरेंस जो है कंपैरिजन टू अदर ब्लॉग्स आप क्या देखते हैं? देखिए प्रेफरेंस से अगर आपकी मुराद है जो हमारे मेंबर्स की चॉइस है, देखिए हमने एक प्रीमियम इसके अंदर लुक देने की कोशिश की इस ब्लॉग को. उसकी रीज़न ये है कि एक तो बिल्कुल ये चकली रोड के साथ भी कनेक्टेड है. इसका फ्रंट ऑलमोस्ट इसका और जो कैपिटल हिल्स है वो मिला के तकरीबन 2.7 किलोमीटर का फ्रंट बन जाता है. और हमारी जो स्मार्ट सिटी की मेन कनेक्शन है चकली रोड से वो ओवरसीज प्राइम के अंदर से ही जा रहा है. इसकी जो बुलेवार्ड है वो 180 फीट वाइड है. और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि मोस्ट साइटेड प्लेस है स्मार्ट सिटी के अंदर. अगर आप इसकी पैरफरी पे खड़े होते हैं तो आपको जो गोल्फ कोर्स है उसका बड़ा अच्छा क्लियर व्यू मिलता है और पूरे स्मार्ट सिटी की स्काईलाइन भी इस प्रोजेक्ट से आपको नज़र आती है. प्लस जितनी भी स्ट्रीट विड्थ हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो 50 फीट हैं एक्सेप्ट फॉर 7 मरला. वो इसलिए कि हमने इसको प्रीमियम के लिए ही कि प्रीमियम एक प्रोडक्ट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करें मार्केट में. 5 मरला के अंदर कोई जो मिनिमम इसमें कटिंग है वो 7 मरला थी. 5 मरला और उससे कम की कोई इसके अंदर कटिंग नहीं थी. ठीक है. और सेकंड ये कि ओवरसीज प्राइम में कुछ प्लॉट्स इनिशियली आए थे लेकिन वो फिर सोसाइटी ने वो डिसीजन वापस ले लिया अबाउट द फार्म हाउसेज. बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका ये सवाल था जो फार्म हाउस एक्वायर करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन ओवरसीज प्राइम बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. एक तो हाइब्रिड है, गोल्फ कोर्स एडजेसेंट है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन है उसकी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिंग रोड से जस्ट 1.3 किलोमीटर दूर है ओवरसीज प्राइम. तो इसमें जो फार्म हाउसेज का ऑप्शन है आया ये लेटेस्ट स्टेजेस पे ऑफर किए जाएंगे या फिर ये नहीं ऑफर किए जाएंगे? जी डेफिनेटली लेटेस्ट स्टेज पे आएंगे फार्म हाउसेज भी और प्लस इसमें जो चार फिनल के प्लॉट्स हैं वो भी आएंगे. लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइट ओनली ऑफर किए जाएंगे मार्केट के अंदर क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड प्लॉट. इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसके अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इनवाइट ओनली का उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको लेके जाएंगे मार्केट में. थर्ड ये कि एक कैपिटल हिल्स के नाम से ब्लॉक लॉन्च किया जा रहा है और फ्यूचर में किया जाएगा. जहाँ तक उसके डेवलपमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल जिस ऑफिस में बैठे हैं सब इसके बिल्कुल सामने वाली साइड है राइट साइड की साइड है उसकी डेवलपमेंट की पेस में काम करूँ कटिंग फिल्म में जो इनिशियल अर्थ वर्क होता है जो ग्राउंडिंग का काम होता है उस पर तकरीबन 60-70% काम हो चुका है. ये सवाल है कि ये कब तक लॉन्च किए जाएंगे और इनकी प्राइस ब्रैकेट कहाँ तक होगी और ये किन साइजिंग ऑफ किए जाएंगे? देखें ये हमारा प्लान तो बेसिकली जल्दी लॉन्च करने का था लेकिन जारी बात है कोविड की वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च कर सके. ये है थोड़ी सी हाई एंड प्रोडक्ट लेकिन ये ट्रूली वो प्रोडक्ट है जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट होगी. रीज़न ये है कि इसके अंदर जो गोल्फ कोर्स है हमारा 18 और गोल्फ कोर्स उसके अंदर हम कोई 3000 यूनिट्स होंगे विलास के जो इसकी पैराफेरी पर दिए जाएंगे जो गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे. और गोल्फ कोर्स फेसिंग का मतलब है कि प्रॉपर 18 होल गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे. ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा आप विला बना दें और विला बना दें और उसके इर्द-गिर्द जो है 10 कनाल का एक ग्रीन एरिया बना दें और उसको आप मीनिंग गोल्फ कोर्स का नाम देकर उसको गोल्फ कोर्स फेसिंग कर दें. तो ये प्रॉपर हेराडाइन ने डिज़ाइन किया हुआ है उसकी पैराफेरी के ऊपर है. जिस तरह कॉन्सेप्ट होता है कि एक छोटा सा गोल्फ कोर्स बना दिया जाता है और उसको कहते हैं गोल्फ कोर्स व्यू. तो ये बड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह प्राइस वाइज ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आ चुके हैं उससे बहुत ही कम प्राइस में होगा. और ये इंशाल्लाह हम इस प्रोडक्ट को जो मार्केट लेके आएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मार्केट में लेके आएंगे. और हमारे शुरू से इसमें कॉन्सेप्ट है कि ईच एंड एवरीथिंग सब डिज़ाइन सब चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं. इसमें हर ब्लॉक का नाम अलग से हो चुका हुआ है. इसमें मुख्तलिफ स्टाइल के जो विलाज हैं उनके नाम डिसाइड हो चुके हैं और किस तरह से होंगे और ईच विला है और ईच लेन जो है उसकी उसमें क्या डिज़ाइन फॉलो होगा उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे वो और साथ में उसके कवर्ड एरिया हर चीज़ ईच एंड एवरी डिटेल वो सब फाइनल है. लेकिन अब हमने सिर्फ विल वेट के हम इसको मार्केट की सिचुएशन देखते हुए इसको कब मार्केट में आ सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ये जो विलाज ऑफर किए जाएंगे ये स्पेसिफिकली होंगे ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, जैसे स्मार्ट सिटी मार्केट में नया ट्रेंड बिल्कुल ट्रेंड सेट है ऑफिशियल ऑफ स्मार्ट सिटी कॉन्ग्रेट्स टू यू। एक्चुअली जैसे ओवरसीज कॉन्सेप्ट आया था आपके पास, बहुत सारे सोसाइटीज आई जिन्होंने एक ओवरसीज ब्लॉक के नाम से लॉन्च करना शुरू कर दिया इरिस्पेक्टिव के जैसे स्मार्ट सिटी क्राइटेरिया है ओवरसीज का कि ओनली द पर्सन हु इज हैविंग द नाइकॉप ही कैन अप्लाई, तो क्या इन विलास के लिए भी नाइकॉप होल्डर को ही अप्लाई करने की चॉइस होगी या फिर वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो नाइकॉप होल्डर नहीं है जिन्हें पाकिस्तानी है और वो एक्वायर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन होगा? जी इसमें सबके लिए, ये सबके लिए ओपन हो गया, कोई भी चाहे तो एक्वायर कर सकता है और इसमें एक ही ब्लॉक होगा, इसको ओवरसीज पाकिस्तानी और नॉन ओवरसीज पाकिस्तान में रह रहे हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो नोटिफिकेशन आया स्मार्ट सिटी पोजेशन का उसके अप्रैल के बाद आया, स्मार्ट सिटी दो दो तीन तीन महीने बाद रेगुलर पोजेशन देता रहेगा ब्लॉक का या उसके बाद फिर वही होगा कि अगले साल दोबारा सीक्वेंस वाइज पाँच छः सात ब्लॉक इकट्ठे इस तरह से होगा? देखो जी अभी तो हमने यही है कि हम जो इसके पोजेशन कम्प्लीट हो गए तो हम अगले ब्लॉक्स का पोजेशन जो है वो भी साथ साथ दे देंगे, लेकिन ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो चीज़ के हमने पांच ब्लॉक का जो पोजेशन है वो शायद ऑफर अभी किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टोटल इसके वर्कन आठ हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जो कम्प्लीट हो गया हम साथ ही मे बी ड्यूरिंग इसी पोजेशन के हम वो भी अनाउंस कर लें, तो पोजेशन जो है वो हम फेस वाइज ही लेके जाएंगे ब्लॉक वाइज ही लेके जाएंगे। और सिर्फ मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक ब्लॉक जो है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि इतने साइज़ की शायद पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक होता है जिसको, और ये बहुत बड़ा एक एफर्ट होता है पोजेशन में कि लोगों को हम जब इधर उनको लिवेबल बनाना है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर फैसिलिटीज देनी है, तो इंशाल्लाह हमारा जो वादा है कि हमें टाइम से पहले या टाइम पर देना है तो वो ज़रूर होगा। नेक्स्ट इज जो दो कॉमन सवाल है लोगों को पूछे थे कि जब भी पोजेशन हैंडओवर किया जाता है यानी कि जैसे ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक ए बी सी डी ई इनका पोजेशन दिया जा रहा है तो लोगों को जो बेसिक अम्यूनिटीज़ जिनकी नीड है, जो बेसिक अम्यूनिटीज़ में सबसे पहले स्कूल वो साइट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जो बाकी हॉस्पिटल और बाकी जो क्लासरूम मार्केट और ये जो चीज़ें हैं इनकी कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा एक हार्मनी के नाम से एक हमारे प्रोजेक्ट है कमर्शियल बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है निश्चित हम उसी को उसी पे एक्टिवेट करेंगे, उसके अंदर हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे चाहे वो ग्रॉसरी की हो चाहे उनके क्लिनिक्स की हो, और अगर जो बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, लेकिन बाय द टाइम जब लोगों के घर कंप्लीट होंगे सारी बातें जब वो पोजेशन कंपनी देगी तो उनको भी घर बनाते हुए तो साल तो लगेगा एटलीस्ट, तो बाय डेट टाइम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अभी भी हमारी मॉस रेडी है, स्कूल रेडी है, ये कमर्शियल बिल्डिंग जो है इसके भी मेरे ख्याल से सेकंड फ्लोर अभी चल रहा है, तो इसके अंदर इसमें भी सारी चीज़ें बेसिक अम्यूनिटीज़ लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। जिस पर क्लेरिफिकेशन जो अभी जिस ब्लॉक का जिक्र किया गया है यानी कि जो हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट्स का जिक्र किया गया है, अगर आपको उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी अपडेटेड वीडियो कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि जिन लोगों को ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक ए में पोजेशन ब्लॉक ए से लेकर ब्लॉक ई तक पोजेशन मिल रहा है उन ब्लॉक्स के लोगों को एक अम्यूनिटीज़ के लिए जो क्लासरी मार्केट या बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए होती हैं या साइट ऑफिस जब यहाँ पर मूव करेगा तो जितने सेल्स एजेंट हैं या कंसल्टेंट्स हैं उनके स्टाफ को एक अपार्टमेंट या रहने की जगह चाहिए होगी तो उसके लिए ग्राउंड प्लस 7 ग्राउंड प्लस 8 के लिए ब्लॉक डी के सामने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अच्छा जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो विलास हैं जो अभी ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन में और बाकी बन रहे हैं एग्जैक्टिव में विलास, इन विलास में एक बड़ा सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है, ये रिपीट हो रहा है मलिक साहब से, मैंने ये सवाल किया था, मैं कुछ सवाल है जो मलिक साहब से किए थे मैं रिपीट कर रहा हूँ इंटेंशनली क्योंकि वो सवाल जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न है। उन विलास में स्टैंडर्ड का ऑप्शन है और एग्जैक्टिव का ऑप्शन है, तो जो स्टैंडर्ड ऑप्शन एग्जैक्टिव का और लोग अचीव करते हैं उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे वो कितने होंगे और वो किस लिहाज से होंगे? अच्छा देखिए इसमें ना हमारी शुरू से मैंने सारों को ट्वीट किया था कि हम जितने विलास जो हैं जब ये फिनिशिंग पे जाएंगे तब हम लोगों को बताएंगे कि हम अभी ये स्टैंडर्ड का ऑप्शन तो एक चल रहा है जिस पर सबने बुक कराएंगे, उसके बाद जब फिनिशिंग स्टेज पे जाएगा उसके बाद ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन है जिसमें फर्निश पे जाना है फिर स्मार्ट फैसिलिटीज पे जाना है सारे फीचर्स वाइज जाएंगे, तो हम फिनिशिंग स्टार्ट करने से पहले लोगों को बताएंगे जिन्होंने कहा हुआ है कि मुझे फर्स्ट करें इंडक्टिव फिनिश के साथ चाहिए कि उसकी ये कॉस्ट आ रही है, इफ़ दे फाइंड इट रीजनेबल तो वो हमें पे कर देंगे, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमने लोगों ने कॉस्ट लेके जानी है वो इंशाल्लाह ऐसी होगी कि वो जो कॉस्ट है वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से होगी, अगर वो खुद भी करवाना चाहे तो शायद उनको महंगी पड़ सकती है, लेकिन जो हमारे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे अगर उनको
हम जैसे उनके फिक्सर्स की अगर बात करते हैं तो हम उनसे एक्सटेंडेड वारंटी की बात करेंगे, उनको डोर स्टेप की फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फीचर है वो तो हम फिनिशिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फीचर है उसकी तो कॉस्ट वन कैन ऑलवेज सी कि अगर मुझे एसी उनसे लगवाना सस्ता पड़ा है या खुद से सस्ता पड़ा तो ही कैन ऑलवेज टेक द ऑप्शन कि वो खुद लगवा लें। लेकिन हमारे पास से अगर लगवाएंगे तो उसके अंदर हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, तो वो कंपेरिजन हर बंदा उसके बाद लिबर्टी है कि वो ऑप्शन खुद ले सकता है। नेक्स्ट इज के एक जो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जैसे हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट बन रहे हैं ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक बी में, जो हार्मनी पार्क ब्लॉक है उसकी लोकेशन और उसका जो मैप है उसकी बैलेटिंग है वो कब तक होगी और उसके जो रिमेनिंग डेवलपमेंट होगी वो कब तक मुकम्मल होगी? जी क्या कहते हैं, इंशाल्लाह सैटरडे को हमारा एक इवेंट है, ऑलरेडी हमने हार्मनी पार्क जो है उस पर डेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया हुआ है और हम प्रॉपर जो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो अनाउंस है वो इंशाल्लाह एक सैटरडे को हमारा इवेंट है उस पर कर देंगे। उसमें टाइम लाइन उसमें सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म भी कर दी जाएंगी, उसके मैप्स वगैरह भी आपको दे दिए जाएंगे। क्या जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगी तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है? आई होप कि इंशाल्लाह अगले 6 मंथ के अंदर ये दोनों मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा भी दो और अच्छे हमारे पास आप कह लें कि इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अगर हम अनाउंस करेंगे एज सून एज इट गेट फाइनलाइज तो भी अनाउंस करेंगे। देखिए हमने आपको पहले बताया कि ये जो है ना पूरा सिटी है और सिटी के अंदर हमने एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट भी दिया है और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, तो उसके अंदर हमने हेल्थ के हवाले से हमारी बहुत से लोगों से बातचीत हो रही है ऑलरेडी, हमारी गवर्नमेंट से भी काफ़ी अच्छी उस पर बात हो रही थी, लेवल काफ़ी अच्छे लेवल पर बात हो रही थी, किंग्स कॉलेज लंदन है उनसे भी हमारी बात चल रही है, तो हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इधर टाइम से लेके आएंगे। डेवलपमेंट चार्जेस जो बहुत सारे मेंबर्स ने सवाल किया है, जो नोटिफिकेशन आया था पोजेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि स्मार्टली के ऑफिशियल्स ने इतना जल्दी रैपिडली 4 टाइम उसको हैंड ओवर किया, जैसे मुल्तान ऑर्चर्ड, साहिवाल ऑर्चर्ड। इनफैक्ट मैं पहली बात करता हूँ मेरे साहब इंटरव्यू में कि साहिवाल ऑर्चर्ड एक वाइड सोसाइटी है साहिवाल के रीजन में जिसका पोजेशन 10% ऑफ 10% बुकिंग है और 20% पोजेशन है। तो स्मार्टली जाहिर सी बात एक सेपरेट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको भी सेम बिफोर टाइम पोजेशन दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है डेवलपमेंट चार्जेस जो एंड पे लोगों से चार्ज होंगे, इनके लिए जो टाइम फ्रेम है वो, और नंबर वन कि उनका टाइम फ्रेम जो है उनमें एक्सटेंशन पॉसिबल है, नंबर टू के डेवलपमेंट चार्जेस जो इनिशियल लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे या के इनिशियली मेंबर्स होंगे उनको भी इसमें फिजिबिलिटी मिलेगी? अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए भी, देखें शुरू में जब हमने लोगों को बताया था कि जब उनको हम पोजेशन देंगे तो डेवलपमेंट चार्जेस, प्राइम लोकेशन चार्जेस और एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस ये उन्होंने पोजेशन के टाइम पर देने होंगे। लेकिन हमने क्योंकि कोविड की भी सिचुएशन बन गई तो डेवलपमेंट चार्जेस की तो हमने स्लैब्स कर दिए, लेकिन ये प्राइम लोकेशन और साथ साथ हमने इसकी भी स्लैब्स कर दी, एक्स्ट्रा लैंड की भी स्लैब कर दी कि वो 1 साल के अंदर हमें दें, यानी कि एक जो इंस्टॉलमेंट है वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन देंगे, जो बनती होगी बाकी अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर देंगे, तो 1 साल का हमको टाइम मिल जाता है, 4 क्वार्टर्स का टाइम मिल जाता है ये जो चार्जेस हैं वो देने के लिए। एक्सटेंशन देखें पाकिस्तान में देखेंगे कि अक्सर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और शुरू होने के कई साल बाद वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं फिर उसके ऊपर काम शुरू करते हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करें कि अगर हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे हमें भी अपने कैपिटल को मैनेज करना होता है, अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना होता है, तो हम एक चीज़ की डिलीवरी जल्दी दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें भी अपने फाइनेंशियल्स जो इनकमिंग्स हैं उनको इम्प्रूव करना है ताकि हम बाकी जो कमिटमेंट्स हैं उसको भी टाइमली हम मैनेज कर सकें। तो हम जो कंपनी इक्विटी है वो एक लेवल तक लगा सकते हैं, उसके बाद जो है हमें इसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि लोगों की जो इंस्टॉलमेंट्स और ये चीज़ें टाइम से आती रहें और हम उनको कंप्लीट करें। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई एक्सटेंशन हमें अलाउ होगी क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ जो है ऑलरेडी उसको डेवलप करके दे चुके हैं, तो हम तो डेवलपमेंट चार्जेस अमूमन होता है कि बाद में लेना शुरू करते हैं, हम लोग डेवलप करके उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आपसे लेते हैं। वेल जी थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और आपसे मेरे साथ मैंने काफ़ी डिटेल क्वेश्चन जितने मेंबर्स की क्यूरीज थी जिन्होंने सवाल किए थे उनसे मैंने आंसर क्वेश्चन करने की कोशिश की, आपने उससे आंसर किया काफ़ी डिटेल से, और एंड पे आप कुछ कहना चाहें अबाउट द पायलट प्रॉपर्टी एंड लैंड सॉल्यूशन? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके तवज्जो से लोगों को भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग जो हैं कॉन्टीन्यूसली हमारे जो क्लाइंट्स हैं हम पे एतमाद करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनके एतमाद के पूरा भी उतरें। हमारा ये जो स्टेप था आज का
हम इसे वो इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों के जो कस्टम्स होते हैं हर बंदा अपने इंडिविजुअल लेवल पर पूछता है, तो हम चाहते हैं कि हम खुद भी सामने लोगों को बताएं भी। इससे पहले ओवरसीज में तो हम खुद रोड शोज करते थे, लोगों को जवाब दे रहे होते थे, उसमें ये होता था कि लोग हमसे मिल लेते थे, उनको पता चल जाता था, वन टू वन उनका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज कर जाता था। लेकिन अब क्योंकि कोविड है, तो कोविड की वजह से अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि आपको वर्चुअल लेवल पर ज़्यादा काम करना शुरू करना पड़ता है। जहाँ तक बात है जी 5G प्रॉपर्टीज़ और मकान प्रॉपर्टीज़, यस दे आर डूइंग वंडरफुली गुड। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों से कभी कंप्लेंट नहीं हुई, हमें इनके क्लाइंट्स की तरफ से कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं। अक्सर होता है कि कुछ सर्विसेज पे क्लाइंट हमें कंप्लेंट करते हैं, तो बड़े अच्छे हैं और प्रोफेशनल तरीके से दोनों अदारे काम कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। मैंने क्वेश्चन किए कि जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछने की कोशिश की, मैंने वो तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के साथ, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा स्टेप है, बड़ा बोल्ड स्टेप है स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स की तरफ से। इससे पहले आपने पाकिस्तान में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं देखी होगी जिसकी टॉप हायरार्की सिस्टम, टॉप मैनेजमेंट इस तरह, जो सेल्स एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आपने प्लॉट लिए और सारा कुछ हुआ, उनको इस तरह बैठ के अपनी साइट की ब्रीफिंग दें एंड बिफोर टाइम पोजेशन की पहले, पाकिस्तान में रिवायत नहीं है। इसके अलावा इस तरह साइट पे आके आंसर्स करना उन तमाम क्यूरीज का, मैंने मलिक साहब से तमाम सवाल पूछे, टफ क्वेश्चन भी थे, मुजीब भाई से पूछे, जितने सवाल थे वो सब आपके सामने रखे, तो इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तमाम सवाल जो उनसे पूछे गए उनसे हमने क्वेश्चन किया डायरेक्टली, और ये ऑप्शन किसी और सोसाइटी की तरफ से अवेलेबल नहीं होता। आपके पास कोई भी क्यूरीज हो फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, इंशाल्लाह ताला अगले महीने सेम इसी तरह का इवेंट रखा जाएगा, तो आप कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। रिजवान जी मक दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।